ओम के अभ्यास निरंतर अभ्यास करते करते एक समय साधक के साथ ऐसा आता है जब उच्चारण करने की आवश्यकता भी नहीं होती है क्योंकि ओम सिद्ध हो चुका होता है। उसके बाद उसका भान ऐसे लगाया जा सकता है कि सिर्फ आँखों को और कानों को बंद करके भी भीतर से भी हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, हमारे हृदय चक्र में वो स्थापित हो जाता है और हमारे मन मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से ओमकार की ध्वनि सुनाई देती लग जाती है और काफ़ी साधु संत इस मंत्र को सिद्ध करते हैं और इसके कारण वो लोगों को जब आशीर्वाद देते हैं तो उनके हृदय से वो आशीर्वाद लग करके फिर उस व्यक्ति का काम हो जाता है क्योंकि उस साधु ने वो मंत्र सिद्ध किया हुआ होता है। और साधु ही नहीं अपितु अनेक लोग, पारिवारिक लोग भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और सिद्ध करते आए हैं। काफ़ी लोगों ने अपना कल्याण किया है, सिद्धियाँ हासिल करी है और लोगों ने अपने व्यवसाय में या अपने नौकरी के प्रतिष्ठानों में भी ऐसे चमत्कार करके दिखाए हैं तो लोगों को यह इस बात का मालूम जब पड़ जाता है कि व्यक्ति सिद्ध है क्योंकि यह चमत्कारिक आदमी है। तो चमत्कारिक आदमी ऐसे नहीं होता है, किसी मंत्र को सिद्ध किए बिना कोई भी व्यक्ति चमत्कारिक बन नहीं सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी मंत्र को सिद्ध करेगा तो ही उसका चमत्कार दुनिया के सामने आएगा और उसके बाद में यह ध्वनि शंख जैसी हो जाती है, फिर यह शुद्ध ब्रह्मांडीय ध्वनि हो जाती है जिसे अनाहत नाथ कहा जाता है। और बड़ा ही वो समय इतना विलक्षण और ताकतवर होता है कि व्यक्ति स्वयं को एक शक्तिशाली व्यक्ति महसूस करता है, सबसे हट करके वो व्यक्ति माना जाता है। और ओम को लगातार निरंतर जप करने से व्यक्ति में वाचा सिद्धि, वचन सिद्धि की प्राप्ति होती है और अनेक प्रकार की सिद्धियाँ उसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हासिल होती रहती है जो कि निरंतर ओम का अभ्यास करता है। और अभ्यास करते करते व्यक्ति अगर 1 करोड़ की संख्या को जब ओम के शब्द को पार कर लेता है तो वो व्यक्ति ब्रह्मांड का नायक भी बन सकता है, यानी कि एक राज्य प्राप्त करने की ताकत उसमें आ जाती है और सारे जगत में वो विख्यात होता है। बशर्ते उस व्यक्ति को निरंतर ओम का अभ्यास जप का करना चाहिए और एकांत स्थान में, पर्वतीय क्षेत्र में या ऊंचाई स्थान वाले मंदिर में ज़्यादातर इस मंत्र की सिद्धि होती है, या फिर नदी के किनारे, किसी संगम के पवित्र किनारे आप इसकी सिद्धि कर सकते हैं। ऐसा भी ना बन पड़े तो अपने एक एकांत कक्ष में, खुद के एक एकांत कमरे में, और ऐसे समय में साधना करें जब दूसरी आवाज़ें ना सुनाई दें, तो ऐसे समय में ओम शब्द का अभ्यास किया जा सकता है, मंत्र जप किया जा सकता है। अपने घर में कर सकते हैं, मगर उस घर में या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में इस मंत्र का सिद्ध करेंगे या फिर आप रात्रि काल में इस मंत्र को सिद्ध करें, क्योंकि दोनों ही समय ऐसे होते हैं जब वातावरण में शांति होती है। तो ऐसे समय में अवश्य ही इस मंत्र को सिद्ध किया जाना चाहिए और जैसे जैसे सिद्धि मिलती है तो व्यक्ति को स्वप्नावस्था में कुछ ऐसे विशेष लोकों के दर्शन होते हैं जो कि एक आम इंसान उस लोक को दर्शन देख नहीं सकता है, उसका दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकता है, जो कि हमारे शास्त्रों में, रामायण में, भागवत में, गीता में, जिन में इन सभी काफ़ी लोगों का जो विवरण बताया गया है, तो ये सारे वे ही लोक हैं जिनके द्वारा हमें उनके स्वप्न के द्वारा उस ओमकार के मंत्र जप के प्रभाव से दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमें दर्शन दिखाई देते हैं और कभी कभी तो ध्यान अवस्था में भी, यानी कि हम जब तो ओम जप का कर रहे हैं उस समय ध्यान अवस्था के जप से पर भी की जा सकती है, हमें वो लोगों के दर्शन होते हैं के ऊपर निर्भर करता है कि जितना ज्यादा भी हमें दर्शन और निरंतर करेंगे निरंतर अभ्यास के दर्शन करना जाएगा, आम लाखों से व्यक्ति दर्शन नहीं कर सकता है, 10 लाख होगा, 20 लाख होगा, 30 लाख होगा, तो आसानी से, क्योंकि छोटा एक प्रकार से मंत्र है तो इसे आसानी से कम समय में सिद्ध किया जा सकता है, सालों तक मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। बशर्ते चाहे आप 2 महीने करें चाहे 3 महीने में करें, मगर अभ्यास निरंतर हो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है और निरंतर अभ्यास से अवश्य ही आपको शीघ्र सफलता प्राप्त हो सकती है। और जो घटनाएं मैंने आपको बताई है वो एक साधक के साथ में अवश्य घटित होती है और उस अपने आप को खुशी महसूस करता है, उसे खुशी होती है, मानसिक संतुष्टि उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है और अगर वो किसी समस्याओं से घिरा हुआ, उन समस्याओं से भी उसको छुटकारा मिल जाता है और अनेकों प्रकार की शक्तियाँ उस व्यक्ति को प्राप्त होती हैं, सिद्धियाँ उसको प्राप्त होती है। और सिद्धियाँ जैसे जैसे प्राप्त होती है तो वो खुद भी उस सिद्धियों के बारे में समझने लग जाता है कि यह सिद्धि मुझे प्राप्त हुई है, जिसका नाम बताने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि अष्ट सिद्धि, यानी कि अष्ट सिद्धि में तो 8 सिद्धियाँ ही बताई गई है, उसके अलावा भी काफ़ी सिद्धियाँ उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। और जब ध्यानावस्था में व्यक्ति पहुँच जाता है, यानी कि ध्यान की ऐसी अवस्था हो जाती है, तो उस अवस्था में व्यक्ति और भी अधिक शक्तियां हासिल कर सकता है, यानी कि हवा में शरीर को ऊपर उठाना, उड़ जाना या
पारलौकिक यानी कि दूसरे लोकों का भ्रमण करके आ जाना, एक जगह बैठे बैठे, यानी कि एक जगह व्यक्ति ध्यान कर रहा है और ध्यान करते करते उस व्यक्ति को परदेश में क्या चल रहा है वो भी उसको दिमाग में आ रहा है, और बैठे बैठे ही वो चारों धाम के दर्शन कर रहा है, और बैठे बैठे ही एक स्थान पर बैठे बैठे ही वह सभी जिन जिन लोगों को जानता है उनकी स्थिति का पता कर सकता है, उनके मन में क्या विचार है उसके बारे में उस व्यक्ति को पता चल जाता है, भूत भविष्य वर्तमान का काल क्या वो व्यक्ति ज्ञाता हो जाता है, यानी कि एक हिसाब से अगर माना जाए तो वो व्यक्ति अंतर्यामी बन जाता है। यह बिल्कुल स्पष्ट बात है, क्योंकि उड़ने वाली सिद्धियाँ, हवा में ऊपर उठाने वाली सिद्धियाँ, अणिमादि सिद्धियाँ, महिमा सिद्धियाँ, अणिमा सिद्धि, ये सारी सिद्धियाँ हैं, और ये सही सिद्धियाँ ही ओमकार प्रणोक्षर से ही प्राप्त की जा सकती है, और ओम का जप करने से ही हमें यह सिद्धियाँ हासिल होगी। मगर जो मैंने आपको ये सिद्धियाँ बताई है काफ़ी कठिन है, इनमें अभ्यास निरंतर करना पड़ता है, मगर उसके अलावा हमें ओमकार के जप से काफ़ी और भी सिद्धियाँ हासिल होती है, वाचा सिद्धि जिसमें प्रमुख मानी जाती है, यानी कि जो कहा गया वो काम हो जाता है, और व्यक्ति का मानसिक रूप से जो चाहता है वह चीज़ उसके सामने हाजिर हो जाना, ये भी एक प्रकार की बहुत बड़ी सिद्धि मानी जाती है, यानी कि जिस जैसे किसी व्यक्ति से मिलने की उसकी बहुत आकांक्षा है और वह व्यक्ति तुरंत ही उसके पास है आकस्मिक ही चला आया, तो ये भी एक प्रकार की बहुत बड़ी सिद्धि मानी जाती है, तो ये भी इसकी श्रेणी में आता है। इसके अलावा धन की सिद्धि प्राप्त होती है, धन में जिस स्थान में जैसे धन की वो आकांक्षा करता है वैसा धन उस व्यक्ति को प्राप्त होता है, जैसा व्यापार वो चाहता है वैसा व्यापार उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, यानी कि हर प्रकार से हर सिद्धियों का धनी वो व्यक्ति बन जाता है, और कई दूसरे मंत्रों का जप करने की उस व्यक्ति को की अपने जरूरत नहीं पड़ती है, और एकांत स्थान जरूरी है इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, नहीं तो किसी वटवृक्ष के नीचे भी इस सिद्धि को किया जा सकता है, यानी कि वटवृक्ष में शिव का वास होता है और वटवृक्ष की छाया के नीचे एकांत में बैठ करके अवश्य इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, और दिशा पूर्व या उत्तर इन दोनों में से किसी एक दिशा का चयन करना चाहिए, ज्ञान के लिए पूर्व दिशा है और सिद्धि के लिए उत्तर दिशा मानी गई है, तो इन दोनों दिशाओं में से किसी भी एक दिशा का चयन करके आप कर सकते हैं तो सारी सिद्धियां आपको अवश्य ही हासिल होगी, और शुरुआत 1.25 लाख से करनी चाहिए, शुरुआत में 1.25 लाख का जप निरंतर करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि कितने समय में आपने 1.25 लाख जप किया है, उसके अनुसार आगे का जप आपको निर्धारित करना है कि कितने समय कितनी अवधि में आप ये कर पाएंगे, और इसमें किस प्रकार का व्यवधान है या व्यवधान नहीं है, और आपके पास निश्चित समय है या नहीं है, ये सारा निर्धारण उस साधक को करना पड़ता है जो कि यह सिद्धि हासिल करना चाहता है, और साधना सिद्धि के पश्चात में व्यक्ति को अपने साधना के दौरान हुए हुए अनुभव किसी को भी नहीं बताना चाहिए, जो भी अनुभव प्राप्त हो अपने एक घनिष्ठ गुरु को बता सकते हैं, वो भी उसको भी ना बताए तो चलता है, बाकी तो किसी को भी बताना बिल्कुल पूरी तरह से वर्जित कहा गया है, अन्यथा सिद्धि खत्म हो जाती है, इसलिए अपने जो भी आपको अनुभव प्राप्त हो साधना के दौरान वो अपने पास रखें और स्वयं प्रसन्नचित्त रहें और आनंद का अनुभव करें, और निरंतर जप का अभ्यास बढ़ाते जाएं और उन बुलंदियों उन ऊंचाइयों को छुएं जो कि एक आम इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता है, और उन श्रेष्ठ सिद्धियों को हासिल करें, उन देवीय ताकतों के दर्शन करें इस मंत्र के द्वारा जो कि एक आम आंखों से दर्शन नहीं किए जा सकते हैं, ऐसी ताकतों के दर्शन इस मंत्र प्रणवाक्षर के द्वारा किया जा सकता है, सभी देवताओं का आवाहन किया जा सकता है, और त्रिदेवों के दर्शन भी इस मंत्र के जप से प्राप्त होते हैं, और ऋषि मनीषी सब प्राप्त करते आए हैं, और काफ़ी साधुजन कलयुग में भी कलयुग के अंदर भी काफ़ी लोगों ने सिद्धियां प्राप्त की है, वो गुप्त रूप से हिमालय की कंदराओं में भी साधना कर रहे हैं, कोई उत्तराखंड की कंदराओं में साधनाएं कर रहे हैं, कोई किसी जगह साधनाएं कर रहा है, क्योंकि कंदराएं तो काफ़ी राज्यों में हर जगह पाई जाती है, तो ऐसे साधक हैं जो छुप करके साधना करते हैं तो उन्हीं को ही सिद्धि मिलती है, जो दिखावा करता है उससे कभी भी सिद्धि हासिल नहीं होती है, समय व्यर्थ होता है, इसलिए साधना हमेशा गुप्त स्थान में करनी चाहिए, गुप्त कक्ष में, अपना एकांत कक्ष में करनी चाहिए, ढकोलसा नहीं बताना चाहिए, ढोला नहीं पीटना चाहिए कि मैं फलाना काम कर रहा हूँ, तो ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है, जो बताता फिरता है ढिंडोरा पीटता फिरता है उस व्यक्ति को कुछ हासिल नहीं होता है, और जग में भी हंसी के सिवाय कुछ नहीं होती, ऐसे इसलिए हमेशा ये साधक एक सच्चा साधक वो होता है जो गुप्त रूप से साधना करे और स्वयं अनुभव करे, सिद्धि हासिल करे और अपने पास अपने तक ही उस बात को रखे, तो वो सिद्धि का भी अपमान नहीं होता है, उस देवी का भी अपमान नहीं होता है, उस देवता का भी अपमान नहीं होता है, और उन देवी देवताओं का आशीर्वाद भी उसके ऊपर निरंतर बना रहता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर। धन्यवाद।